अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सरफराज मुगल, CEO अल शफा हॉस्पिटल्स। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था वो अल शफा आई हॉस्पिटल के नाम से है, जो कि गुज़श्ता दो दहाइयों से यानी 20 साल से इस इलाके के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है। अब ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है अल शफा फ्यूचर हॉस्पिटल के नाम से। इस हॉस्पिटल का नाम फ्यूचर इसलिए रखा गया कि इसमें जो फ्यूचर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं हम वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और जो कमिंग फ्यूचर में इनोवेशन आ रही हैं हम वो इंशाल्लाह यहाँ पे इम्प्लांट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। अगर हम आए यहाँ पे कि वाई गुजरांवाला, अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ये जो इतना बड़ा सेटअप है ये आपने गुजरांवाला ही क्यों लगाया, तो उसके लिए ये है कि ज़ाहिर बात है मेरा तल्लक गुजरांवाला से है और मैं चाहूँगा कि मेरा नाम गुजरांवाले के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी पहचान और गुजरांवाला की पहचान दोनों एक ही लम्हे में किया जाए, और जब कहीं पे गुजरांवाला का नाम लिया जाए तो मेरे अल शफा फ्यूचर हॉस्पिटल का नाम आए, और कहीं पे अल शफा फ्यूचर का नाम आए तो गुजरांवाले का नाम आए। डैट्स वाई हमने ये जो गुजरांवाला सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो गुजरांवाला है उसका नाम बने और पहचान बने। बाकी अगर हम बात करें एस्थेटिक के मुख्तलिफ जो छोटे मोटे बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं जिसमें नॉन प्रोफेशनल लोग भी हैं, नॉन प्रोफेशनल मीन के जो मेडिकल से रिलेटेड भी नहीं है, ना वो टेक्नीशियन है, ना वो डिस्पेंसर है, ना वो डॉक्टर है। अब अनलकीली बहुत सारी मशरूम ग्रोथ है इस पूरे एरिया में, और वो अपने अपने सेंटर बना के छोटे मोटे प्रोसीजर कर रहे हैं जो कि अल्टीमेटली क्लाइंट के लिए डैमेज का बायस बनते हैं, उनकी स्किन, उनका फेस और जो उनके बालों के मसाइल हैं उनमें इजाफा करते हैं। इस हॉस्पिटल में अगर हम डिस्कस करें तो हम तीन मेन एरियाज़ को कैटर कर रहे हैं। नंबर वन जिल्द यानी स्किन, नंबर दो हेयर, और नंबर तीन एक्स्ट्रा बॉडी फैट। अगर मैं आप मेरी बैक साइड पे देखें तो हमारे पास हेयर के वाले से जो हेयर फॉल है उसके लिए हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो BTI मशीन है, जिसके साथ हम प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर लेते हैं, जिसके साथ हम एक्स्ट्रा बॉट जो आपका हेयर फॉल है उसको ट्रीट करते हैं। रूटीन में लोग PRP यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो PRF भी है, PRGF भी है, और इसमें जो हम फ्यूचर में लेके आएंगे वो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं, और इसके अलावा मीज़ोथेरेपी भी है, इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग है, और अगर हम फर्दर फ्यूचर में बात करें तो हमारे पास स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स भी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में अवेलेबल होंगी। और इसके अलावा हमारे पास हेयर फॉल के लिए एक नई टेक्निक है, डैट इज़ रीजनरा, जिसमें हम आपके ही मुख्तलिफ एरिया से स्किन और बाल लेके उनको प्रोसेस करते हैं और एक तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट करके वो एक सोल्यूशन तैयार करते हैं जो हम दोबारा चेक करते हैं। तकरीबन एक साल में एक दफ़ा हम करेंगे, और उससे आपकी हेयर फॉल भी ख़त्म होगी और हेयर रीग्रोथ भी होगी। और अगर हम बात करें ट्रांसप्लांट की, तो अगर आप देख सकें तो हमारे पास अमेरिकन रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट सिस्टम है हार्ट्स के नाम से, जो हम पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लेके आए हैं, इससे पहले कहीं नहीं ये यूज़ हो रहा। इसमें जो मज़ेदार की फीचर्स हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हमारे ग्राफ्ट जो अवेलेबल हैं उनको वो स्कैन करता है, वो देखता है कि एक ग्राफ्ट में कितने बाल हैं, 1 है 2 है 3 है, और इसके अलावा किस एंगल पे हैं, और हमारे पास साथ VR ग्लासेस हैं, वर्चुअल रियलिटी 50 मेगापिक्सल्स, वो हमें बताते हैं कि ये इसकी एंगुलेशन क्या है और किस तरह हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। अगर इसके बाद हम बात करें जो स्किन के हवाले से, उसके लिए हमारे पास फ्रोना लेज़र मशीन है, जो कि दुनिया की बेस्ट वन मशीन एस्थेटिक के नाम से जानी जाती है। इसमें हम 80 से ज़्यादा प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल भी बताऊंगा। उसमें हम सर से लेके
उन तक कोई ऐसा एरिया नहीं जो हम नहीं ट्रीट कर सकते। स्पेशली रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल है, लाइंस हैं, पिगमेंटेशन है, एज रिलेटेड है, मलाजमा है, और फिर स्पेशली 4D फेस अपलिफ्ट है। ये वाहिद मशीन है दुनिया की जिसमें हम नॉन सर्जिकल फेस अपलिफ्ट कर सकते हैं। एक्नी स्कार्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, नॉन रिस्पॉन्डिंग फंगर नेल्स हैं। फिर इसके साथ जो है हमारे पास रोबोटिक स्कैनर्स हैं जो कि आपके टोटल बॉडी हेयर रिमूवल कर सकते हैं 30-45 मिनट्स में। इसके साथ गायनी एस्थेटिक के प्रोसीजर्स हैं जिसमें स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, माइल्ड टू मॉडरेट यूट्रस प्रोलैप्स है, और नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो हमारा पूरा रास्ता डायलेट हो जाता है उसको हम दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। और इसके बाद अगर हम बात करें हेयर रिमूवल के लिए, तो उसके ये बियर्ड लाइन है स्पेशली फीमेल में चिन पे है, लिप्स पे हैं, और ये फेस पे है, इवन के सम टाइम उनके टोटल बॉडी हेयर रिमूवल होते हैं, उनको हम बड़े अच्छे तरीके से इसके साथ हिट कर सकते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल के लिए हमारे पास ट्रिपल डायोड लेज़र भी अवेलेबल है, ट्रिपल वेवलेंथ वाला, और वो भी फर्स्ट मशीन है हमारे पास जिसमें हम जो है आपके लेज़र हेयर रिमूवल भी कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें उससे आगे, ये हमारी जो इटालियन हाइमीरा के नाम से बॉडी फिलर्स हैं, स्पेशली आपके जो लिप चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लिप्स के लिए कर सकते हैं, फोरहेड के लिए कर सकते हैं, और फिर स्किन से रिलेटेड बोटॉक्स है जिसमें इसकी वजह से रिंकल्स आते हैं और ये वाले उसको हम दूर कर सकते हैं। हम अमेरिकन बोटॉक्स यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो हम अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास डर्मा पेन है, और डर्मा पेन हम यूज़ कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन वन जो कि बेस्ट वन है दुनिया का। इसका कॉटेज जो है हम हर पेशेंट का लैदा होता है, उसको हम हेयर फॉल में भी यूज़ कर सकते हैं, फेस की रिजुविनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास हाइड्रा फेशियल है, डेट्स ए वेरी यूनिक प्रोडक्ट, वो हम हाइड्रा फेशियल विद डर्मा ब्रेजिंग करते हैं, और उसमें हमारे पास जो सीरम्स हैं वो सारे इंपोर्टेड हैं और हाई क्वालिटी बेस्ट वन अवेलेबल इन द वर्ल्ड है। उसके साथ हम बेबी ग्लो दे सकते हैं, रिंकल्स ख़त्म कर सकते हैं, और एज की वजह से जो डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन है उनको हम बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और इससे आगे अगर हम आएँ तो हमारे पास जो स्किन के हवाले से हैं, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं जो हम यहाँ पे नहीं कर रहे। उसमें स्पेशली जो मुलाजमा है नॉन रिस्पॉन्डिंग, उनके लिए हमारे पास बड़ी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसमें हमारे पास केमिकल पील भी हैं, उसके लिए हमारे पास फोटोना लेज़र मशीन भी हैं, उसके पास हमारे पास डायआउट लेज़र भी हैं, और इवन के क्यू स्विच एंडी यैक भी अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर हम छोटे मोटे प्रोसीजर्स की बात करें जैसे टैटू रिमूवल है और डार्क सर्कल है, पफीनेस है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लेफरोप्लास्टी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्स्ट्रा बॉडी फैट की, जैसे डबल चिन है, ब्रा फोल्ड है, अब्डोमन है, हिप है, थाई है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशली अवेलेबल है क्रायो डायलियो लाइपोलाइसिस। बेस्ट मैन यूरोपियन मशीन है जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लेके आए हैं, जो कि क्रायो के साथ विद डायोड लेज़र है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रायो में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बॉडी फैट को हम फ्रीज करते हैं, जो फैट के बड़े सेल हैं वो माइक्रो सेल में चले जाते हैं पार्टिकल में, हमारा लिम्फैटिक बॉडी उसको अब्जॉर्ब करता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है, बॉडी से निकल जाते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो 3-6-8 हफ्ते में कम्प्लीट होता है, और आस्ता आस्ता 3-4 इंच आपकी एक्स्ट्रा बॉडी फैट ठीक हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो
फैट के लिहाज से स्ट्राया पड़ते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी स्ट्राया पड़ते हैं, स्किन खिंच जाती है, लूज होती है सॉरी, और उसके लिए हमारे पास डायोड लेज़र है क्रायो के साथ, वो हम उसको दोबारा स्मूथ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप प्रेगनेंसी से जो स्कार मार्क आते हैं, सर्जिकल स्कार्स हैं, ट्रॉमेटिक स्कार हैं या वैसे आपकी एक्नी स्कारिंग है, वो हम फोटोना लेज़र के साथ स्किन रिसर्फिसिंग करके उनको दोबारा अपनी असल हालत में ला सकते हैं। ओवरऑल हम देखें तो हमारे इस फ्लोर पे जो एस्थेटिक का फ्लोर है, इसमें आपको कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं जो हम नहीं कर रहे हैं। अभी हमने जो रिसेंटली नई मशीन ऐड की है वो है माइक्रो नीडलिंग विद आरएफ मीन रेडियो फ्रीक्वेंसी। उसमें फेस की रिजुविनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसके साथ हमारे पास एक्टिव एक्नी के लिए जो पाकिस्तान में किसी के पास ट्रीटमेंट नहीं है, वो हमारे पास एक स्पेशल पेन है आरएफ पेन, उसके साथ हम एक्टिव एक्नी को डिस्ट्रॉय करते हैं और वो जो सीबम बांध बांध वहाँ पे पस बनती है वो ख़त्म होती है, और उसके साथ जो फर्दर एक्नी है वो नहीं बनती, और एक्टिव एक्नी को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, और उसके साथ जो एक्नी स्कार्स हैं हम उसको भी दोबारा ख़त्म करके दो आपकी जो नॉर्मल बेबी स्किन है उसका हम दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अलशफा फ्यूचर हॉस्पिटल का, जो हमने अभी यहाँ पे इम्प्लांट की हुई हैं चीज़ें या इंस्टॉल की हुई हैं। आगे हम जो कमिंग फ्यूचर में हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे स्टेम सेल बैंकिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्टेम सेल बैंकिंग में ये है कि जब बेबी बर्थ होती है तो उसके अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वहाँ से हम ख़ास सैंपल लेके उस बैंक में प्रिजर्व करते हैं, वो 10 साल 20 साल 30 साल वो सैंपल हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें अगर आने वाले वक्त में उस बेबी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आता है, उसका कोई लीवर फेलियर होता है, कोई ऑर्गन फेलियर होता है, तो बायो इंजीनियरिंग से हम वो जो ऑर्गन है वो हम रीजनरेट भी कर सकेंगे, और उसके जो डैमेज एरियाज हैं उसको भी हम ट्रीट कर सकेंगे। और जो स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, वो हमारा जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट है उससे हम लेके उसको पूरा प्रोसेस करके स्टेम सेल तैयार करेंगे। वो स्टेम सेल जैसे ये नी आर्थराइटिस है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और फेस की रिजुविनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे जो सर्जिकल स्कार हैं उनको रिवाइज किया जा सकता है, और हमारे कुछ केसेस जो सिलेक्टेड हैं उस डायबिटीज मेलाइटिस के उसको हम ट्रीट और क्योर कर सकेंगे इंशाल्लाह। और फिर कुछ ऐसे केस हैं जैसे पार्किंसोनिज्म है, सीपी चाइल्ड्स हैं, सीपी चाइल्ड्स में उनकी जो वॉक है जो थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट्स हैं उसको हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर ट्रांसवर्स मेलाइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो डिजीज़ हैं जिसको हम इंशाल्लाह स्टेम सेल से ट्रीट कर सकेंगे। फिर फ्यूचर में हम फर्टिलिटी सेंटर पे भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास जो इमीडिएट अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं वो शॉक वेव थेरेपी है जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए है, स्पेशली इस पर हम फर्दर में आपसे फर्दर वीडियो में उसकी डिटेल दूंगा। लेकिन जो फीमेल इनफर्टिलिटी है उसके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है, और कमिंग फ्यूचर में फिर हम एडवांस जो फिजियोथेरेपी है उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें आपके डिस्क बल्ज है उसके लिए स्पाइन मैट हमारी मशीन है वो इंशाल्लाह इंस्टॉल होगी, और जो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं आम ट्रेडिशनल जैसे फ्रोजन जॉइंट है और अपर और लोअर बैक एक है वो ख़त्म नहीं होती उसको हम ट्रीट कर सकेंगे, और होलोग्राफी पे हम काम कर रहे हैं, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं अमेरिका में हैं इंग्लैंड में हैं उनके साथ हम होलोग्राफी से अपने क्लाइंट्स की कन्वर्सेशन कराएंगे, आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे वो जो कंसल्टेंट है आपके सामने बैठा हुआ है, और आप उससे फिज़िकली गुफ्तगू कर सकेंगे, आपका केस डिस्कस करेंगे, उसका हम ट्रीटमेंट जो प्लान है वो हमको देंगे, और अल्टीमेटली हम आपको बहुत सारी ऑप्शन देंगे आपकी ज़िंदगी को, आपकी रूह को और आपके जो फेस है उसको बेहतर करने के लिए।
इन शॉर्ट में अगर बात करूं कि ये जो फ्यूचर हॉस्पिटल है, इसका जो बेसिक थीम था वो एक आयत थी कि इन्नल्लाह जमीलु युहिबुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। दूसरी जो आयत है हमारी लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीन, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन ढांचे में पैदा किया। तो जो अलशफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला है, वो उसका एम है, उसका एक मिशन है कि जो अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन इंसान बनाया है तो हमने उसको बेहतरीन रखना है। तो उसके लिए हमारी जितनी ये ट्रीटमेंट्स हैं, हम इसको कहते हैं एंटी एजिंग एंड रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स। सिंपली अगर मैं लास्ट पे कहूँ कि हम कोई मैजिक नहीं करते, हम आपकी ही बॉडी को, आपकी ही बॉडी के अंदर जो आपका डिफेंसिव सिस्टम है, रीजनरेटिव सिस्टम है, हम उसको एक्टिवेट करते हैं। जो एज के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपकी चेंजेस आती हैं, हम उनको डिले करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे फेस पे जो चेंजेस आनी है, मेरी बॉडी पे जो चेंजेस आनी है 40 साल में, हम उनको खींच के 50 साल तक ले जाएंगे। यानी वो जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं वो आपको 50 साल की उम्र में जा के आएंगे, 10 साल आप यंग नज़र आएंगे। फिर हम एंटी एजिंग, एज की वजह से जो फैक्टर आ रहे हैं, जो फीचर्स आ रहे हैं, उनको हम रेक्टिफाई करेंगे, डिले करेंगे, साथ हम आपको रीजनरेट करेंगे आपके बॉडी को, आपकी स्किन को, आपके हेयर को। तो अल्टीमेटली आप यंग और हेल्दी, हमारा एम क्या है कि हम आपको यंग और हेल्दी बनाना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। और ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और बाकी जो डिटेल्स हैं अपने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की वो हम फर्दर वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।